वेलकम टू दिस अनपैकिंग वाला व्लॉग। हेलो जी, नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। हम वापस आ गए हैं मनाली से, और क्योंकि ट्रिप से वापस आए तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बारी मैं अनपैकिंग वाला वीडियो बनाऊं, क्योंकि पैकिंग वाले वीडियोस मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने 2-3 बारी बना चुकी हूँ। तो जब ट्रिप से वापस आते हैं तो कैसी भसड़ होती, मैं क्या करती हूँ। मतलब हम कल वापस आए, आई वॉजन्ट फीलिंग वेल, तो कल का दिन पूरा रेस्ट किया हम दोनों ने, बाहर से ही खाना ऑर्डर के लिए था खाया और सो गए। सुबह उठी हूँ, अभी सबसे पहले तो रूम की हालत ठीक करनी है, रूम बहुत मेस पड़ा हुआ है हमारा, बेडशीट वगैरह चेंज करनी है, एंड उसके बाद कपड़े निकालने। 3 बैग्स कपड़े हैं मेरे भर के, मतलब मेरे और सागर के, वो तो ज़्यादा दिन के लिए नहीं था, मैं ज़्यादा दिन के लिए थी तो मेरे कपड़े थोड़े ज़्यादा हैं, और सर्दी वाले कपड़े हैं बहुत गंदे हो गए, तो वो सब वॉश करने डालना है, एंड किचन साफ करना है, किचन में थोड़ा बहुत नाश्ते के लिए कुछ बनाना है, कपड़े धुल के सुखाने हैं, और बहुत सारे काम है। मेड दीदी जो है हमारी, उन्होंने झाड़ू पोछा तो लगा दिया है घर में, तो घर एकदम चकाचक हो गया हमारा, साफ सुथरा। अभी भिड़ते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं, एंड या इस गर्मी में ये एक सहारा है, आम, और ये वो लड़की है जो पहले आम नहीं खाया करती थी, बट मैं आम ये वाले फॉर्म में खा सकती हूँ। लाइक मैंने चिया पुडिंग टाइप बनाया है, चिया सीड्स को क्या करना है आपको, दूध में डिप करके 2 से 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दो, या ओवरनाइट भी रख सकते हो, फिर उसमें मैंगोज कट करके डाल दो, चाहो तो ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो, बहुत ही मस्त लगता है ठंडा ठंडा सा। सो हम मिड डे स्नैक में ये खा रहे, मतलब इवनिंग स्नैक बोल सकते हैं, मिड डे नहीं बोल, इवनिंग, शाम होने वाली है, और ये बंदा बहुत ही गंभीर रूप से काम में लगा हुआ है। ठीक है, चलो खा लेते, थोड़ा सा थोड़ा ब्रेक लेंगे आप खाने में, खाने के लिए ले लेंगे, अब आपने बनाया है तो पति देव थैंक यू, तो अपने लिए नहीं, एक्सक्यूज मी, साथ में खाना, इतना सारा अकेला नहीं खाता इंसान, कितना सारा बोल छोटा लग रहा होगा, और बहुत सारा है इसमें, इतना ये कोई हफ्सी जैसे नहीं खाना है हमको। ओके बढ़िया, हाँ।
हाँ जी एवरीबॉडी, तो थोड़ा सा चेंज कर लिए कपड़े वपड़े। यार गर्मी में ऐसा लगता है ना, दिन में 2-3 बार नहा लूँ मुझे तो ऐसा फील होता है। बाय द वे, घर एकदम चकाचक मस्त साफ हो गया है हमारा, और वो ड्रॉर खुला है क्योंकि मैं अभी करने जा रही थी मूंग दाल सोप, जो खड़ी मूंग दाल होती है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए सॉरी, बट ये वाली, यस, इसका ना बहुत ही बढ़िया चीला बनता है, मतलब डोसा टाइप बनता है। इसके अंदर मैं इसको सोक कर दूंगी। अभी सुबह जब नाश्ते के लिए बनाना होगा तो उस टाइम पे मैं इसमें छोटा सा अदरक का टुकड़ा और साथ में थोड़े से पालक, धनिया और ये सब डाल के बढ़िया से उसके फिर चीले बनाते हैं या डोसा टाइप बनाते हैं, और चटनी के साथ बहुत अच्छा लगता है, बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है। तो या वो अभी कर रही थी मैं। और सागर जो है वो गया हुआ है, उसकी कजन्स आई हुई है, तो उनको कॉलेज में एडमिशन के लिए कुछ था तो वो वहाँ गया हुआ है, अभी थोड़ी देर में वो लोग आने वाले हैं। तो या लेट्स दैट, मेरा फेस इतना ऑयली इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने थोड़ा सा घर पे ही फेशियल किया था, और घर पे ही फेशियल करके फिर थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। अभी जो है फिर से एक बार वॉश करूँगी और या थोड़ा सा हुलिया ठीक करूँगी। बाय द वे, कपड़े जो है सूख गए थे सारे, उठा के रख दिए हैं, ये रैक खाली हो गया, 2 कपड़े बचे, वो थोड़े गीले हैं, मोटे थे, स्वेटशर्ट वाले मटेरियल है तो वो नहीं सूखा है, अदरवाइज़ एवरीथिंग इज़ ड्राइड अप। घड़ी करके जमा के सब कुछ अंदर रख दिया है वार्डरोब में। तो आज का ये जो अनपैकिंग वाला जो व्लॉग है, आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। इसको मुझे लगता है मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, और और कुछ बस अब हमारा जो आगे का जो दिन है वो कुछ नहीं होगा, हम बस थोड़ा बहुत आएंगे कजन्स तो बैठ के बातें बातें करेंगे, चिटचैट करेंगे, मे भी बाहर कुछ खा पी के आ जाएंगे, दैट्स इट। तो या आई एम गोइंग टू एंड द व्लॉग हियर। होप आप लोगों को इस तरीके के रैंडम व्लॉग भी मेरे चैनल पे अच्छे लग रहे होंगे। पिछले वाले व्लॉग में लोगों ने देखा बहुत बट कमेंट नहीं किया, तो कमेंट किया करो, बताया करो कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है, तो फिर उस हिसाब से हम आगे काम करेंगे। बाय द वे, स्काई बहुत सुंदर हो रहा है, वो दिखाऊंगी, और उसी के साथ टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी विद अनदर वीडियो वेरी वेरी सून, टिल देन नमस्ते जी। ये देखो हमारे घर के बाहर स्काई बड़ा सुंदर हो रहा है, और बोगनवेल में मस्त फूल आ गया, एक बंच आ गया है यहाँ पे, सागर की मेहनत सारी सफल है। ये हमारा छोटा सा गार्डन और ये प्यारा सुंदर सा स्काई।